हम पैडल बोट में चढ़ चुके हैं। ये गलत ही थ्रिल्स लग रहा है भाई, मुझे डर तो लग रहा है, पानी से मुझे डर नहीं है लेकिन एक अलग ही एक्सपीरियंस है। बोटिंग तो हमने कर लिया, बहुत मजा आया। इधर देखने के लिए अंदर है कुछ नहीं ज्यादा, बस बोटिंग करो, ये थोड़ा गार्डन का मजा लो, सामने ये कुछ है और ऐसे सीट होंगे जहाँ पे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, ये एक गार्डन है लेकिन धूप में कौन बैठेगा यार। और यही वो टिकट काउंटर है, यहाँ पे कुछ शॉपिंग सेंटर है, अगर आप चाहे तो कुछ शॉपिंग भी कर सकते हो यहाँ से। ऊटी लेक्स एक्सप्लोरेशन कंप्लीट, अभी बाहर जाने वाले हैं। ये पीछे एक स्कैरी हाउस है, मुझे स्कैरी हाउस नहीं जाना है। थोड़ा सा खा पी लेते, भूख भी लगी, अभी बज रहा है 11:05, डेढ़ घंटे में हम बस स्टॉप पहुंच जाएंगे क्योंकि 1 बजे का बस है तो लेट नहीं करना चाहते। बस का टिकट हो गया, मैंने तो पहले ही बता दिया, फिर और टेंशन ही क्या है। अभी थोड़ा यहाँ पे रिलैक्स करते, कहीं पे जा नहीं सकते, हमारे पास स्कूटी नहीं है और गाड़ी का रेंट बहुत ज़्यादा है, मिनिमम 1200-1500, वो भी बहुत टाइम लेता है, 1-1.5 घंटे के लिए गाड़ी करके कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए नो गाड़ी। इधर उल्टा साइड में ही वो जैसे मैंने बताया था थ्रेड गार्डन है, वहीं पे चलते फिर वो जगह देख के हम चले जाएंगे बस स्टॉप। आखिरी बार ऊटी लेक देख लीजिए, मैं भी देख लेता हूँ और इसे बाय बाय बोलते। लेक के बाद आप ये वाले स्टेशन पे आ सकते हो, यहाँ से ट्रेन पकड़ सकते हो और जा सकते हो बहुत दूर। मतलब यहाँ पे टॉय ट्रेन राइड है बच्चे लोगों के लिए, 25 रुपया टिकट है। ये सब बोट हाउस का अंदर ही है, उधर तो नो एंट्री है, नहीं तो गुफा दिख रहा था जा सकते थे। दिस इज द वे आउट, इस गेट से बाहर जाते ही हम लोग आ गए बाहर। अभी मैंगो स्लाइस ले आए, कच्चे मैंगो 30 रुपीस पैकेट, बहुत ज़्यादा दाम है इधर। तमिलनाडु में बोल रहे अभी मैंगो का सीज़न नहीं है, लेकिन बंगाल में तो सीज़न है, अभी का ही तो सीज़न है बसंत का, बहुत ज़्यादा दाम है लेकिन बहुत ज़्यादा कट्टा है। अभी बस बाहर जाने ही वाला हूँ, गेट के सामने ही हूँ, वो रहा गेट, ठीक गेट के ऑपोजिट में ही है थ्रेड गार्डन। चलिए थ्रेड गार्डन दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। ये है एंट्री थ्रेड गार्डन का, अंदर आई थिंक सीधा जाना है थ्रेड गार्डन। अच्छा टिकट काउंटर 20 रुपीज़ पर एडल्ट, जितना मेरे नॉलेज में आ रहा है थ्रेड गार्डन वही है जो ये जो लीव्स होते हैं, ये पूरा पेड़ होता है, ये पूरा सूता का बना हुआ रहता है, थोड़ा सा मिस्टीरियस है मेरे लिए। अंदर जाएंगे फिर देखेंगे, पता नहीं इतना गर्मी क्यों लग रहा है ऊटी में, वो भी मार्च के महीने में। ये एंट्री पॉइंट है, संतरू पर खड़ा हुआ है, वहाँ पे है टिकट काउंटर और इस साइड में है ऊटी लेक, मतलब एकदम ऊटी लेक के ऑपोजिट में। ऊटी लेक का एंट्री गेट ये वाला है, इससे आप एंट्री करके सीधा आके ये सीरीज अंदर आ सकते हो, मतलब एकदम पास में ही है, यहाँ से पूरा लेक दिखता है। ये एंट्री पॉइंट है, ये थ्रेड गार्डन की एंट्री है। ओह ओके, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी, एक आदमी थ्री आदमी आ रहा है। हाथ से बना, कैसे बनता है ना, शर्ट कलर बुक करने में स्टिफनेस कैनवास मटेरियल,
इसके फ्लावर शेप लीव शेप कट करके उसके ऊपर धागे लगा। अच्छा। डंडी के लिए स्टील कॉपर हुआ है, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड है गाड़ डंडी स्टील कॉपर हुआ है। स्टील कॉपर ओके। लास्ट में हाथ में चूके देख के सेल्स के लिए आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा, टोटली हाथ से बना हुआ है। इसका जो डंडी होती है वो कॉपर का बना होता है और जो फूल होते हैं जो पत्ते होते हैं वो टोटली थ्रेड का बना हुआ है। यहाँ पे पूरा गार्डन है, मतलब टोटल हैंडवर्क, आई कांट बिलीव इट। यहाँ पे बहुत तरह के आपको फूल दिखेंगे और दूर से देखने में सच में मैं खुद के आंखों से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ओरिजिनल है, मगर नहीं, ये सब सूता का बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे पानी है और पानी में भी फ्लावर्स बने हुए, वो भी सूता का है। ट्यूलिप्स, अच्छा ये ट्यूलिप्स भी थ्रेड का बना हुआ है। एक मिनट में जूम करके दिखाता हूँ, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, लेकिन ये एक्चुअल में जब थोड़ा सा नज़दीक से देखेंगे तो लगेगा हाँ थ्रेड से तो बना है। कंप्लीट हो चुका है और बाहर भी आ गया, 10 से 15 मिनट लगा, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ जो भी ऊटी घूमने के लिए आते हैं इसको ज़रूर देखें। अगर किसी को हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पसंद होता है तो ज़रूर आए यहाँ पे, मतलब माइंड ब्लोइंग वर्क, टोटली थ्रेड वर्क। कैमरे के लिए 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया, कैमरा मतलब मेरा मोबाइल कैमरे के लिए, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है इसलिए ले लिया, मेरे लिए भी एक मेमोरी बन के रहेगा ना। तो चलो कंप्लीट तो हो चुका है ऊटी घूमना, अभी बहुत सारा जगह था लेकिन घूम नहीं पाए। अभी चलेंगे सीधा बस स्टैंड, टाइम है अभी 12 बज रहे, एक घंटा है, जाते फिर उधर देखते क्या करते, टाइम को तो निकलना पड़ेगा। बस हमारा डिपार्ट कर चुका है, स्टैंड से निकल गए हम लोग, अभी सोना है 5-6 घंटे, मुझे नींद आ रहा है, सुबह सुबह उठा था, क्या करें, करने का नहीं है कुछ काम, तो सो जाते, बाहर अगर कुछ व्यू अच्छा मिले तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, दिखा देंगे। बस स्टैंड के एकदम अपोजिट में ये हमारा रूम, पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, 5.5 घंटे के आसपास बस में था, अब होटल में एंट्री करते हैं बस। ये हमारा होटल है, होटल गार्डन सिटी, एकदम रोड के पास ही है। कोई है सर रिसेप्शन? हमारा बुकिंग था,
ये हमारा रूम है मैसूर में, ऐसा एकदम सेम रूम उधर भी दिया गया सिस्टर को। फाइन फाइन, रूम अच्छा है। एंड दिस इज द टॉयलेट, थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है, 5.5 घंटा एकदम बस कर, एकदम बस स्टॉप के ऑपोजिट में ही है, बहुत ही बढ़िया है। और तो बजट में था अच्छा 900 रुपया पर डे लगा, 2 रुपया, 2 दिन का बुकिंग किया हुआ है, आगे बताऊंगा कि 2 दिन का क्यों बुकिंग किया हुआ है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग फ्रॉम मैसूर। अभी हम लोग मैसूर के रास्ते पे चल रहे हैं और क्या देखेंगे क्या ना देखेंगे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि शाम के अभी बज रहे हैं 7:45 और 7:45 बजे तो सब कुछ बंद हो चुका है। और यह से बहुत सारे पार्क है, लेकिन जहाँ पे हमारा होटल है वहाँ से करीबन 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के आसपास कुछ नहीं है, सब 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। तो रेंटेड स्कूटी का जो फैसिलिटीज़ है वो भी 7 बजे 8 बजे बंद हो जाता है, तो लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है। शांतनु बोल रहा था कि भोगो नाम का कुछ है, बाउंस भोगो, वही सब देख रहे हैं, अगर कुछ मिले तो अच्छा है, नहीं तो कल सुबह के अलावा घूमने का प्लेस नहीं है, तब तक लोकल एक्सप्लोर करते हैं। अभी हम रोड पे हैं, एकदम मैसूर का जो बस स्टैंड है KSRTC का जो बस स्टैंड है उसके सामने ही हमारा होटल है, एकदम अपोजिट में आपको दिखाई दिया था, और उसी से बाहर निकल के हम रोड पे चल रहे हैं। हाँ वो रहा KSRTC का बस स्टॉप, उसका मेन गेट, और जिस साइड में अभी जा रहा हूँ उस साइड पे ही मैसूर पैलेस आता है, लेकिन यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे है। होटल लेने के बाद मैंने ये नहीं देखा था, सिर्फ कम प्राइस में मिला इसलिए ले लिया, दैट्स वाई। तो आप लोग आगे चलिए मेरे साथ, अभी क्या करेंगे कुछ पता नहीं, अनप्लान्ड है पूरा। अभी मैं हूँ मैसूर पैलेस के सामने, ये है मैसूर पैलेस का गेट, लेकिन अभी तो बंद है, थोड़ा सा झलक लेने के लिए आया हूँ, मार्केट के बाद सीधा इधर आ गया, तो अगर हो सके तो कल देखेंगे, कुछ कर नहीं सकते ना अभी, क्या करें। बस यही है इसका गेट, यही से एंट्री होता है, कल सुबह ही आना पड़ेगा देखने के लिए। यह है टिकट काउंटर और यहीं से टिकट लिया जाता है, फिर यहीं से अंदर जाना पड़ता है। ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाए, रात हो गया था इसलिए हम लोग नॉर्मली बाहर गए, थोड़ा सा बाजार बाजार देखा, खाना लिया, फिर आ गए। मैसूर पैलेस के सामने तो गया था और लाइट बहुत ही मस्त लग रहा था, कल सुबह ज़रूर जाएंगे मैसूर पैलेस देखने के लिए, लेकिन लाइट का इफेक्ट तो शाम को ही मिलेगा, तो बस शाम को वही देखने गए थे। सुबह देखेंगे कि कौन सा जगह हमें जाना है, वो थोड़ा प्लानिंग करेंगे। अभी मैसूर में 2 दिन चाहिए होता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 डे, कल रात को हमारा ट्रेन है बेंगलोर के लिए। अगले वीडियो में मैसूर सिटी को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें बहुत सारे लोकेशन होगा, वृंदावन गार्डन, मैसूर पैलेस, जगनमोहन पैलेस, बहुत सारे कुछ है, लिस्ट है, लिस्ट हम देख रहे हैं अभी क्या क्या कर सकते हैं एक दिन में। आज के लिए इतना ही, मेरे अगले वीडियो में जरूर आएंगे, मैं मैसूर एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ। तब तक के लिए गुड नाइट फ्रॉम मैसूर।